रूडी ने उनके उनके बेईमाना कत्ल में कितना किरदार अदा किया। वो फैशन और नफ्सियात दोनों के तालिब इल्म थीं। अब अपनी वेबसाइट फैशन आज साइकोलॉजी के ज़रिए दोनों को एक साथ लेकर चल रही हैं, जहां मलबूसात से मुतल्लिक मेहमान मुसन्निफीन की तहरीरें छपती हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पहुँचीदा आलमी नज़रिए लागू किए जाते हैं। सारिफ का ये रवैया और मुहर्रिक शनाख्त करने के लिए वो नेक्स्ट और सेंसबरी जैसी कंपनियों के साथ भी काम करती हैं। आप जो कुछ भी पहनते हैं वो किसी और चीज़ की अलामत होता है, ये महज वो नहीं जो नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि अगर आपने फटी हुई कोनियों वाला बगैर कलर पुराना स्वेटर पहन रखा है, या आप हार्डवेयर की दुकान से जूते खरीदते हैं, तो वो भी आप एक स्टाइल मुंतखब कर रहे हैं। फैशन से बचकर आप निकल नहीं सकते, एक ही रास्ता है अगर आप खर्च बर्दाश्त कर सकें। तो अपने लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इंतखाब करें। फोर्बिस बेल कहती हैं, मैं एक ही मखसूस अंदाज को नापसंद करती हूँ। एक दिन मैं करीबियन के सालाना मेले की मलका हो सकती हूँ, तो अगले दिन मैं एक महक्किक या कारोबारी खातून या एक आम खातून हो सकती हूँ। ऊपर दी गई दो तस्वीर से ये बात अच्छी तरह वाजे होती है। आलमी वबा से पहले वो हर साल ट्रिनिडाड के सालाना मेले में जाती थीं। कपड़े हथियार हैं, आपको उन्हें जिस्म की नुमाइश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि छुपाने के लिए। इंसान उनका सालाना मेले के लिए राल पर मानद का तैयार करदा मखसूस लिबास और वो यूमा बैंड का हिस्सा थीं। तमाम मलबूसात हमारी वाबस्तगियों का इजहार हैं। ये नागजीर तौर पर हमारी नस्लों का पता देते हैं। माजी में ये मूड्स वर्सेस रॉकर्स थे, ये फिर पंक हुए, या मुमकिन तौर पर गोत फोर्बेस बेल हमारी चंद गहरी फिरका वराना दर्जा बंदियों से बचने की कोशिश कर रही हैं। 2016 में एक मशहूर फैशन एडिटर आए और कहा कि अगर मैं स्याह फॉर्म मॉडल की तस्वीर बैरूनी सफ़े पर लगाता हूँ तो ये बिकेगा नहीं। मैं ये बात गलत साबित करना चाहती थी, ये शायद नफ्सियाती तबाही का बायस बन रहा था। उन्होंने हकीकी मुजल्ले मार्केट रिसर्च में एक मजमून शाया किया, जिसमें बताया गया कि स्याह फॉर्म मॉडल की तस्वीर से आरास्ता एक परफ्यूम की खरीदारी के लिए स्याह फॉर्म लोग ज़्यादा कीमत खर्च करने को तैयार थे। स्याह और गंदमी रंगत वाले अफराद की कुव्वत खरीद हैरान कुन हद तक मजबूत है। हम उनकी नुमाइंदगी में इजाफा देख रहे हैं, लेकिन स्याह फॉर्म फैशन मॉडल्स निस्बतन अब भी कम नुमाइंदगी रखती हैं। लेकिन हमारे मलबूसात हमारे अपने बारे में एहसास को भी मुतासर करते हैं। वो आपकी कैफियत खुशगवार बना सकते हैं या बिल्कुल उसके बरक्स कर सकते हैं। फोर्बिस बेल एक तजर्बे का हवाला पेश करती हैं, जिसमें लोगों को सुपरमैन वाली टी शर्ट पहनने को दी गई थी। उन्होंने ऐसे पाबंद ग्रोह की निस्बत खुद को ज़्यादा मजबूत समझा जिन्हें सुपरमैन किट फ्राम नहीं की गई थी। वो उस नतीजे को ग्रीन कयास कहती हैं, क्योंकि हमारे जहनों की वाबस्तगियाँ ज़्यादातर सकाफत की पैदा करदा होती हैं। लैब वाला सफ़ेद लिबास पहना दरअसल आपको ज़्यादा साइंटिफिक बनाता है। एक रस्मी लिबास आपको अस्करी मनसूबा साजकार का रूप देता है, लेकिन खालिस जिस्मानी सुकून भी उनकी एक बुनियादी
बेहतरीन तरजीह है। अगर आप ऐसे कपड़े पहने जो जिस्मानी साख्त के मुताबिक नहीं तो वो तकलीफ का बायस बनते हैं। वो पहने जो आपके जिस्म पर मौजूदा लम्हे मुनासिब बैठता है। जब मेरी उनसे बात हुई तब उन्होंने खुली सफ़ेद शर्ट और नीचे ट्राउज़र पहन रखा था। वो कहती हैं आरामदा लिबास आपको बेहतर बेहतर काम काज की आज़ादी देता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रिलेटिव फैशन रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू। आपको गैर मुनासिब लिबास से अपनी तवज्जो मुंतशिर नहीं होने देनी चाहिए। सहूलत शहूर के हसूल में मुआविन साबित होती है। शाराए आफाक अमरीकी गुलकार एलिस प्रेसले के जंप सूट का उनके शोर पर किसी हद तक असर था। ये मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम है कि ये लिबास का एक टुकड़ा ही था जिस पर एल्विस के तमाम नकालों ने सारी तवज्जो मरकूज रखी। ये भी सच है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंजीनियर के कपड़े के इंजीर के पत्तों के बाद तैयार किए गए मज़ाक़ा खेज़ तरीन मलबूसात में से एक था। उसे साबित होता है कि कोई लिबास ऐसा नहीं जैसे जिसे एतबार बख्शने वाला कोई ना कोई मौजूद ना हो, चाहे किसी दूसरे की नज़र में वो कैसा ही बेदा क्यों ना हो। और उस मामले में फॉर्ब्स बेल की भी ऐसी ही राय है। किंग ऑफ रॉक के किरदार में खुद को पेश करने के लिए एल्विस ने बेडंगे और होल्ड मलबूसात इस्तेमाल किए। लिबास साज लिबास के इस्तेमाल से फनकार को अपने किरदार में ढलने के लिए तआवुन फराहम करते हैं। ये नुमाया होने के लिए एक तरीके से आगे की बात है। ये उस लिबास से वाबस्ता खसूसियात को अमली शक्ल में पेश करने के का असलूब है। कोई भी उस जंप सूट को देख कर ये नहीं सोचेगा कि वो ख़तरे से खाली है। लोगों को गले लगा कर लगे लोगों को लगेगा वो बोल्ड बेबाक और सनसनी खेज हैं। जो डिज़ाइंस बिल बेलो के नेपोलियन उद अहद से मुतासर होने के लिए एन मुताबिक है। कपड़ों की हर अलमारी एक मखसूस मुआशरा है जो अपनी सकाफत रखती है और ये नॉस्टैल्जिया को मजबूत महफूज रखने की जगह है। वो तमाम पुराने पर्चा जात जिन्हें आप फेंकने की का हौसला नहीं रखते, 18 साल शकीला की जिस्मानी साख्त के मुताबिक फोर्ब्स बेल के पास कसीर तादाद में पार्टी ड्रेस हैं। मैं उन्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती, ये वो हैं जो मैं हुआ करती थी। आपके कपड़े मेमोरी बॉक्स की तरह हैं, वो आपको माजी में ले जाते हैं। अपनी कपड़ों की अलमारी में झांकते हुए मुझे लगता है कि अगर ये अगले चंद हज़ार बरसों में दोबारा खोली गई तो उस बात का कभी इम्कान है कि शायद मुझे गलती से कोई पॉल स्मिथ समझ लिया जाए। मैं शायद एक लेबल को हद से ज़्यादा पसंद करने की गुनहगार हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर मोर रिलेटिव वीडियोज़ और hide in this page, so thank you। मगर क्या बात महज़ इतनी सी है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीद रहे हैं। कपड़ों ने कमोबेश यकीनी तौर पर ना सिर्फ इंसानों को बल्कि पूरे कुर्रे अर्ज़ को किसी हद तक गर्म बनाने और यूं इंसानों के रहने के लिए ज़्यादा तकलीफ़दह बनाने में अपना किरदार अदा किया है। कचरे की पैदावार और पानी की कसीर इस्तेमाल से कताए नज़र अब दुनिया में 10% कार्बन
کاربن کے اخراج کی ذمہ دار کپڑا ساز کی صنعت ہے۔ 2020 میں اندازے کے مطابق 100 ارب نئے لباس تیار کیے گئے تھے۔ ہم ان کی بہتات میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اپنے ہی کپڑوں کی سختی کے ہاتھوں میرے جاننے والے افراد میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ کپڑے ہیں وہ ہیں ایلسا۔ ایلسا ان کے پاس فرش سے لے کر گودام تک چھت تک، اور وہ کافی اونچی چھت ہے، کپڑوں کے ہزاروں جوڑوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ ٹوپیوں کی بڑی تعداد، شوز، جوتے، ٹائیاں، ڈنر جیکٹس، واسکٹس، رکس کے مخصوص لباس، ہر طرح کی پوشاک مردانہ اور زنانہ دونوں۔ اگرچہ ان کے پاس اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ وہ تھیٹر اور فلم والوں کو لباس بھیجتی ہیں، جب وہ کسی ایئرپورٹ پر اترتی ہیں تو وہ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ کنویئر بیلٹ پر مردوں کے درجنوں یا اس سے بھی زائد مختصر ٹراؤزر لگے ہوتے ہیں۔ اپنے سامان کے ساتھ مزید اضافی سامان لے جانے کے لیے انہیں واجبی سے رقم ادا کرنا پڑتی ہے، جیسا کہ وہ بہت جامع انداز میں ساری بات کہہ ڈالتی ہیں۔ میرے پاس بہت سارا گند بلا جمع ہے۔ شاید اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ وہ افسانوں کردار جیک رچرڈ کی طرح بننے کے خواب دیکھتی ہیں، جن کے پاس صرف وہی کپڑے ہیں جو بدن پر پہن رکھے ہوں، اور جب وہ کسی دوسرے کے لیے خون میں رنگے جائیں تو اتار کے پھینک دیتی ہیں، اور اپنی جیب میں محض دانت صاف کرنے والا ایک برش رکھتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے نئے عہد میں یہ ناگزیر ہے، مختصر لباس روزمرہ کا معمول بننے جا رہا ہے۔ چاہے آپ برہنگی کے علمدار نہ ہوں، لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ سب کچھ اتار پھینکنے میں، بالخصوص گرمیوں کے بے لباس اور تراکی میں، ایک آزادی کی احساس ہے کا احساس ہے۔ یہاں تک کہ ایسے پیشہ ور افراد جن کا ذریعہ معاش ہی کپڑے ہیں، وہ بھی دوبارہ بے لباس ہونے کی شاید خواہش رکھتے ہیں، چاہے مختصر وقت کے لیے ہی سہی۔ شاید دلی طور پر ہم سب ملین برسوں پہلے کے سنہرے دور میں لوٹ جانا چاہتے ہوں، جب ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا پڑتا تھا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے۔ پریشان مت ہوں، خوش رہیں، آج بھی ایک بہترین